नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी जो कि अकेडमी ग्रुप का पार्ट है। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के 7 AM द हिंदू करंट अफेयर्स के अंदर। पिछले 3 से 4 दिनों से हम इस शो को नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप में से कई लोगों ने उसको देखा भी होगा, जहाँ पर मैंने बताया आपको कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे थे। पर अब जो भी प्रॉब्लम्स थी पिछले कई महीनों की, कई सालों की, वो दोस्तों रिजॉल्व हो गई है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप सब मेरे साथ लगातार देख पाएंगे। अब मेरे पास कोई भी रीज़न, कोई बहाना नहीं है ये कहने का कि मैं शो नहीं कर सकता। सो गाइस, अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस शो को कभी बंद ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे, एंड फिर हम आज का जो पेपर है उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार ज़रा कमेंट में डाल दीजिएगा, जो लोग रेगुलरली आते हैं पिछले हफ्ते से कमेंट कर दीजिएगा प्रेजेंट सर हम क्लास के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करें। एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है या स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न है, राम मूलचंद जेठमलानी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। ही वॉज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनमें से वो कौन सा आपका निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से राम जेठमलानी साहब, जिनका देहांत हुआ, वो एक सांसद थे? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो है आपका बिहार। RJD के ये सांसद थे और ये बिहार से दोस्तों सांसद के पद पर आसीन हुए थे और इनका हाल ही में 95 ईयर्स की एज में देहांत हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which of the following has inaugurated India Pavilion at the 44th Toronto International Film Festival 2019? निम्न में से किसने 44वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में जो इंडिया पवेलियन का है उसका उद्घाटन किया है, इनमें से ये किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी जो कि है विकास स्वरूप। ये भारत के विदेश सचिवों में से एक हैं और दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब Q&A लिखी है, जिस पर कि आपका स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो आपका बेस्ड है। आगे बढ़ें जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BML? BML जो है उसका दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल यहाँ पर हमने आपसे पूछा है कि क्या फुल फॉर्म है आपके BML का? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों जो है वो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या BML। आगे सवाल पे आते हैं। 2018-19 में जो जन्म के समय लिंग अनुपात है उसमें कितने अंकों की वृद्धि हुई है? व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो परसेंटेज या पॉइंट्स एट द बर्थ रेट इन 2018-19? कितना बढ़ गया है आपका? तो इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, 13 पॉइंट्स। और आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पर जो कि ये रहा आपके सामने। PTI के नए चेयरमैन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दोस्तों नए चेयरमैन इनमें से कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो है आपका विजय कुमार चोपड़ा। ये दोस्तों PTI के नए अध्यक्ष हैं। अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि भारत की सबसे बड़ी आपकी न्यूज़ एजेंसी है, तो इसके जो वाइस चेयरमैन उनका नाम है विनीत जैन, जो कि देखिए दिया हुआ है, ये हैं वो। और ये स्टार समूह के अध्यक्ष भी हैं एशिया पैसिफिक के, एंड ही इज़ ऑल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ द PTI। तो गाइज, अब आप रेडी हैं, जल्दी से कमेंट कर देना, येस सर वी आर रेडी फॉर द हिंदू करंट अफेयर्स। मैं रिपीट फिर से कर दूं, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं मेरे को, सुबह 6 बजे मैं लेके आता हूं MCQ, जहां पर अलग अलग सोर्सेज से हम करंट अफेयर्स को कंपाइल करते हैं और उस पर हम आपसे 20 सवाल डेली बेसिस पर पूछते हैं। अगर आपने वो शो नहीं देखा है, देखना शुरू कर दें। वो हर रोज़, मतलब संडे को भी हर रोज़ वो आपका सुबह 6 बजे आता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू वॉच इट। एंड ये शो के अंदर हम द हिंदू को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड कल से इसमें हम टाइम्स ऑफ इंडिया को भी ऐड कर देंगे ताकि आपका 2 पेपर्स का डिस्कशन यहाँ पर हो सके। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि सर मैं सब कुछ ऐड कर दूँगा, पर 2 पेपर्स को तो हम ऐड कर देंगे, एक द हिंदू, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया। और आगे चलकर अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इंडियन एक्सप्रेस को भी ऐड करने का सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। एंड ये रहा आपके सामने हमारा आज का पहला पेज जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं चाहूँगा इसको आप ज़रा स्विच कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन September 16 टू लाइव स्ट्रीम अयोध्या हियरिंग्स। दोस्तों आप सब जानते हैं राम मंदिर का जो पूरा एक इशू है उसके ऊपर जो अभी एक डिसीजन है वो आने वाला है, उम्मीद है आ सकता है, और उसके लिए एक लाइव स्ट्रीमिंग दोस्तों की जाएगी। आपने स्विच कर दिया है, अच्छा। उसके अलावा ये खबर आप क्रॉस कर सकते हो बिकॉज़ यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की बात हो रही है, वो यहाँ पर बहुत रिलेवेंट नहीं है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। एक वर्ड है जो कि आपको पता होगा अब तक, दैट वर्ड इज़ ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब क्या? जब ब्रिटेन इज़ ट्राइंग टू एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर बोरिस जॉनसन ने एक बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेप किया था व्हेन ही रिक्वेस्टेड द क्वीन टू सस्पेंड द पार्लियामेंट, और क्वीन ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है। तो इसको लेकर जो आपके जो स्कॉटलैंड का देश है, जो स्कॉटलैंड के आपके MPs हैं, उन्होंने कहा कि ये एक अनलॉफुल, ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे थेरेसा मे हो, चाहे डेविड कैमरून हो, हु आर द प्रेडिसेसर्स ऑफ मिस्टर बोरिस जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन से पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ग्रेट ब्रिटेन के, उन सबको प्रॉब्लम फेस हुई है ब्रेग्जिट करवाने में। तो एक ये तरीका निकाला गया बोरिस जॉनसन के ज़रिए कि क्या हम सस्पेंड करा के कर सकते हैं। तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आपके सामने दिया गया है। फिर आपके सामने स्क्रीन पर नीचे दिए हुए हैं, ये इनका नाम है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। ही इज़ द UN सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया शुड सिट डाउन एंड दे शुड टॉक। उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर CM थे, जिनका नाम है जिनका नाम चंद्रबाबू नायडू, एंड उनके बेटे लोकेश नायडू, उनको दोस्तों रोका गया है। दे वर गोइंग टू लॉन्च चलो आत्माकुरु टू प्रोटेस्ट अटैक्स ऑन पार्टी वर्कर्स। ये जो आपका एक कैंपेन था, इसको लॉन्च होने से मना कर दिया गया है। ये एक कैंपेन जो है दोस्तों, वो अब नहीं लॉन्च होगा। इसके अलावा इसी पेज पे दोस्तों, जो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, द करंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनका नाम है नितिन गडकरी साहब, उनसे उन्होंने कहा है कि जो मोटर व्हीकल्स का फाइन है, वो एक फ़ाइन है, वो एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है। वो आप तब पे करोगे जब आप कोई चीज़ गलत करोगे, व्हेन यू आर वायोलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। अगर आप वायोलेट नहीं करोगे, अगर आप उसका उल्लंघन नहीं करोगे, तो आपको फ़ाइन पे नहीं करना है। तो आइए एक बार ज़रा देख लेते हैं, एक बार साउंड बढ़ा दो, बार बार यही एक दिक्कत आती है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, आखिरकार ये है क्या। स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, इसको अमेंड किया गया है। इसके अंतर्गत एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है, जहां पर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा इसी व्हीकल एक्ट के अंदर एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी होगी, जिसके तहत जो कि बनाई जाएगी फॉर ऑल द स्टेट्स, और साथ ही में कई मुद्दों पर जो पेनल्टीज़ हैं उनको ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में इन पेनल्टीज़ पर डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। तो ये पहले पेज की खबरें थी, वापस स्क्रीन पर आ जाइए। सो गाइज, फर्स्ट पेज ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। फर्स्ट पेज पर किसी को भी दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा। कोई भी इशू है कमेंट कीजिएगा, ये डाउट है, नहीं डाउट है तो लिख दीजिएगा नो सर, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। सो ये फर्स्ट पेज था हमारा। अब चलिए वन बाय वन हम अलग पेजेस पर फोकस करते हैं। अंकुर एंड एवरीवन एल्स, मेरी अगर आवाज़ आप तक आ रही है तो एक बार लिख दीजिएगा यस सर, द साउंड इज़ ऑडिबल। यस सर, हमें साउंड जो है वो दिख रहा है। चलिए, सब लोग कह रहे हैं साउंड सही है, तो साउंड दोस्तों सही होगा। ठीक है एवरीवन, गाइस गिव मी अ थम्स अप, ताकि मैं एक बार देख पाऊँ कि साउंड जो है वीडियो का वो सही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा एवरीवन, जल्दी से, आई वांट एवरीवन टू कमेंट, ताकि हम आगे अपने डिस्कशन को यहाँ पर बढ़ा सकें। चलिए, तो अब ले चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर। नेक्स्ट जो हमारे दोस्तों हेडलाइन है, ये हेडलाइन ली गई है फ्रॉम पेज नंबर 9, जो आज का द हिंदू का पेज नंबर 9 है, उससे हमने खबर को लिया है। मेरे को वापस स्क्रीन पर ले आओ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये बड़ी खबर है जिसकी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। जो एंटी टैंक गाइड, हाँ मेरे को ले आइए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसको DRDO ने हाल ही में टेस्ट फायर किया एट दी कुरनूल रेंज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कुरनूल एरिया है, वहाँ पर इसको टेस्ट फायर किया गया। ये जो मिसाइल है, इसका नाम है MPA-TGM, जिसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब कोई भी इंसान इसको अपने कंधे से कोई भी इंसान इसको एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र कर सकता है, एंड फिर इसका यूज़ टैंक्स को गिराने में, टैंक्स को नेस्ता नाबूद करने में, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में होता है। तो यहाँ पर तीन बड़े अहम मुद्दे हैं। पहला, ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है दोस्तों DRDO ने। क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया इन्होंने? इन्होंने लॉन्च किया है MPA-TGM। क्या फुल फॉर्म है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सेकंड, थर्ड, ये कहाँ पर किया? ये दोस्तों इन्होंने किया है कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इस मिसाइल को दोस्तों टेस्ट किया है। इन तीनों के अलावा इसमें कोई और खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक आइए एक बार देख लेते हैं इन्हीं के बारे में।
दोस्तों अगर हम डीआरडीओ की बात करें, ये शुरू हुआ आपका 1958 में, 1958 में ये आज इसकी शुरुआत हुई। इसके हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों वो नई दिल्ली के अंदर है, और इसमें करंट जो इसके एक चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ओके, ये तीन चीज़ें याद रखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें एमपीए टीजीएम की, तो बेसिकली ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, और इसको डेवलप किसने किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज दोस्तों जो है वो है 2.5 किलोमीटर, वो दोस्तों इसका यहाँ पर रेंज है। सिंपल खबर है, तीन चीज़ें याद रखिएगा डीआरडीओ के बारे में, मिसाइल के बारे में, और मिसाइल की रेंज के बारे में। रेंज क्या है इसका? 2.5 किलोमीटर। कहाँ पर टेस्ट फायर हुआ आपका? कुरनूल में। कुरनूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ख़ास तौर पर बैंक में, एसएससी में एक सवाल आता है, और रेलवे में कभी कभी आता है कि जो डिफरेंट टेस्टिंग रेंजेस हैं, तो यहाँ पर जो कुरनूल टेस्टिंग रेंज है वो कहाँ पर है? वो आपकी दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं। अच्छा, एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, एंड दैट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम भारती साहू। सर एंटी टैंक क्या है, फिर से बताइए। एंटी, देखो टैंक, पता है टैंक क्या होता है आपको? एंटी टैंक जो टैंक के अगेंस्ट हो, तो जब कभी कोई टैंक का अटैक होगा तो उसके अगेंस्ट में हम इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे टैंक आपका डिस्ट्रॉय या नेस्ता नाबूद हो सकता है, वो इसका एक रीज़न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, ले चले आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि ये रहा दोस्तों पीके मिश्रा साहब जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये भारत के, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोस्तों होंगे। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जगह लेंगे नृपेंद्र मिश्रा की, जो इस समय हमारे पीएम के सेक्रेटरी हैं, उनकी जगह अब जो नए अपॉइंटी हैं एज दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द मेन सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों है आपका पीके मिश्रा। किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे नृपेंद्र मिश्रा को। आइए एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी और आपकी ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज़ की बात करें, मैं इसको ज़रा और जूम कर दूँ आपको ताकि आपको और दिख जाए। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त कि सबसे पहले बात करें तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके सेक्रेटरी का नाम है संजय कोठारी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके सेक्रेटरी का नाम है आईवी सुब्बा राव। भारत के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जो सारा जो एक ब्यूरोक्रेसी है, सारा जो एक आपका एक आईएएस का काम है, या फिर जो अगर मैं कहूँ द हाईएस्ट पोजीशन फॉर एन आईएएस, वो जो पोस्ट है वो आपकी है कैबिनेट सचिव की, वो कौन है इस समय? दैट इज़ राजीव गौबा। सिमिलरली फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, जो हाल ही में गए हुए थे मोदी जी के साथ रशिया में, जहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, उनका नाम है विजय केशव गोखले। फिर अभी हाल ही में बने हैं नए नवेले, न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका नाम है राजीव कुमार, और होम सेक्रेटरी भी ये भी अभी बने हैं, उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार भल्ला। तो ये सेक्रेटरीज़ के नाम भी आप यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। ये जानकारी आपके लिए अगर यूज़फुल है, अगर आपको ये सही लगती है, कमेंट कर दीजिएगा यस सर, और अगर आपको 1% भी समझ में आ रहा है, वीडियो को ज़रूर शेयर करो। मैं रिपीट कर दूं, हमें यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं इस चैनल पे, और दोस्तों अब आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है ताकि हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि दोस्तों ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर, रेलवे टू इंस्टॉल वाटर बॉटल क्रशर्स। अभी हाल ही में रेलवे न्यूज़ में था, बिकॉज रेलवे के बारे में कहा गया था कि रेलवे जो है वो सिंगल प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल नहीं करवाएगा, और अब एक खबर और आ रही है कि रेलवे जो है वो अब वाटर बॉटल क्रशर्स। कई बार हम देखते होंगे कि प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत सारी हम यूज़ करते हैं, एक बहुत ही फेमस बोतल है रेल नीर करके, उसका हम उपयोग, उसका हम यूटिलाइजेशन हर बार यात्रा में करते हैं, और फिर उसको हम फेंक देते हैं, और ये मेरी भी गलती है, आपकी भी गलती। खैर, मैंने तो काफ़ी टाइम, एक मैंने करीब इस साल की शुरुआत से ही बॉटल्स का यूज़ बड़ा अच्छे से किया है, पर हाँ हम ये कर देते हैं। तो जो एक मिशन है मोदी जी का कि सेकेंड अक्टूबर तक जो सिंगल प्लास्टिक का यूसेज है उसको बंद कर देना, उसी पहल में जो रेलवेज़ है वो इंस्टॉल करेगा दोस्तों आपका बॉटल क्रशर्स। ये जो आपका एक कैंपेन है, ये जो आपकी एक परियोजना है, ये परियोजना दोस्तों आपकी इज़ अ पार्ट ऑफ दी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जो 14 डेज आने वाले हैं, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम September 11 to October 2। इस पखवाड़े में, इस फोर्टनाइट में, इस कैंपेन को शुरू करके ख़त्म करने का यहाँ पर प्लान किया गया है। मैं रिपीट फिर से कर दूँ, एक मिशन लिया था मोदी जी ने
इंडिपेंडेंस डे के दिन भी, कि जो 2 अक्टूबर होगा इस साल का, उस दिन तक भारत में सिंगल प्लास्टिक का यूज़ जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बैन हो जाएगा। तो हर अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रही है। एग्जांपल के तौर पर एक मूवी है कूली नंबर 1, जिसके एक्टर है वरुण धवन। ये मूवी भारत की ऐसी पहली मूवी है जहां पर आपका प्लास्टिक का यूसेज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका इसी स्वच्छता ही सेवा, जो आपका एक कैंपेन है, इसके तहत आपकी हो रही है। एक और सवाल यहाँ पर बनेगा, सवाल ये बनेगा दोस्त कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कब से कब तक है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द स्वच्छता ही सेवा फोर्टनाइट। तो उसका आंसर होगा सितंबर 11 से अक्टूबर 2 तक। क्लियर सबको? अच्छा, तो आइए एक बार जान लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो ये रही आपके सामने दोस्तों, बेसिकली दोस्तों ये स्कीम जो है इसको शुरू किया है, द स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये मंत्रालय है आपका, जिस मंत्रालय का नाम है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इस मंत्रालय ने दोस्तों इसको यहाँ पर शुरू किया है, पहले चीज़। सेकेंड चीज़, इसके अंदर जो शौचालय हैं उनकी सफाई कराई जाएगी, और उनके लिए जो देश के लोग हैं उनसे कहा गया है आप हेल्प करें, आप वॉलंटरी तौर पर आप खुद से आकर कंस्ट्रक्शन करवाएं और खुद से आकर जो सफाई है उसको आगे बढ़ाएं। इसका मेन मकसद है कि जो पब्लिक और इनफैक्ट जो प्राइवेट प्लेसेस हैं, मतलब जो आपके पब्लिक स्थान हैं, जो बड़े बड़े आपके इमामबाड़ा हो गया, रेड फोर्ट हो गया, चार महल हो गया, इनको साफ करने का भी इसी कैंपेन के अंदर एक मिशन लिया गया है। दोस्तों स्वच्छता ही सेवा की बात करें तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने भी कहा है कि हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो एक कैंपेन है इसको हम सक्सेसफुल यहाँ पर बना सकें। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है मेरे को बता देना। एसएस नंदिनी, आपने तो यू रिकलेक्टेड माय मेमोरी। आई यूज़ टू यूज़ इक्वल टू मेथड, जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे याद रखना, इफ़ आई हैव टू रिमेंबर दिस, अगर मुझे याद रखना है तो कैसे याद रखूँगा, इंडियन रेलवेज इज़ इक्वल टू इंस्टॉल इज़ इक्वल टू वाटर बॉटल क्रशर्स इज इक्वल टू 407 स्टेशंस में इज इक्वल टू स्वच्छता ही सेवा इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। इज इक्वल टू से क्या होगा कि आप रिलेट करते जाओगे, किसकी बात कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल होगा, कहाँ इंस्टॉल होगा, कौन सा कैंपेन है और किस मिनिस्ट्री ने किया है, ऐसे आप इसको याद कर लोगे। कोई भी डाउट है मेरे से जल्दी से पूछ लो, अगर नहीं है सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, नो डाउट सर, आई हैव नो डाउट व्हाट्स एवर, कमेंट करते रहिएगा, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आया फ्रॉम ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश मेरे भाई, आपके रिपीट करता हूँ, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जो इंडियन रेलवेज है दे विल बी इंस्टॉलिंग वाटर बॉटल क्रशर्स, जिससे जो वाटर बॉटल आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्रश किया जाएगा, और ये करीब 407 स्टेशन में अप्लाई किया जाएगा। कब अप्लाई किया जाएगा, सितंबर 11 से अक्टूबर 2 के बीच, जिसे कहा गया है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा या स्वच्छता ही सेवा फोर्टनाइट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि दोस्तों ये रहा, सेंटर टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू बैन ई सिगरेट्स इन द कंट्री। भारत के अंदर जो ई सिगरेट्स का कंसेप्ट है इसको बैन करने का सरकार ने एक जिम्मा उठाया है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आता है जिस वर्ड का नाम है ऑर्डिनेंस। अब एक बार समझो पहले ऑर्डिनेंस होता क्या है। मान लेते हैं द ऑनरेबल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ बिल इन द पार्लियामेंट, जो हमारी सरकार है उसने एक पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया और वो चाहती है कि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन, इस बिल का इस्तेमाल होने लगे। उनकी एक इच्छा है, उनका एक विज़न है कि ये बिल जो है ये अभी से शुरू हो जाए। देखो, जब तक आपका बिल पास नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, समझना ध्यान से। आप चाहे कोई सा भी बिल ले आओ, जब तक बिल आपका पास नहीं होगा तब तक वो बिल नहीं बन, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। और अगर आपको उसको लॉ बनाना है टेम्प्ररी तौर पर, अस्थायी तौर पर, उसके लिए आप पास कराते ऑर्डिनेंस, जहाँ पर आने वाले 6 महीने तक उस बिल को एज अ लॉ आप फॉलो कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है द ट्रिपल तलाक बिल। ट्रिपल तलाक बिल को काफ़ी लंबा समय लगा, अगर मैं सही हूँ करीब 2 साल लग गए उसको पास कराने में, क्योंकि जो NDA सरकार है उसकी मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा के अंदर। तो जब तक नहीं था तब तक उन्होंने उसे 6 महीने का लॉ बनाया। अब ये जो 6 महीने का लॉ बनता है,
जिसका जो कि सरकार कर सकती है, इस 6 मंथ टेम्प्ररी लॉ इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनेंस। वो तभी बनेगा जब आपका क्या पास होगा, जब आपका एक ऑर्डिनेंस पास होगा। तो सरकार ने कहा है कि वो एक ऑर्डिनेंस, एक टेम्प्ररी लॉ लाएगी, जिससे कि देश के अंदर जो सिगरेट्स हैं वो क्या होंगे दोस्तों, ई सिगरेट्स, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं, इनको बैन किया जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसी को, ये रहा आपके सामने। ये जो लॉ है दोस्तों, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैं चाहता हूँ इसको फिच कर दीजिए, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इम्पोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो सेल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको दोस्तों एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, इसमें सज़ा हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जेल हो सकती है 1 साल तक, या फाइन हो सकता है आपका 1 लाख रुपये तक। ये आपके ये जो पहली बार पकड़े जाएंगे, और अगर बार बार पकड़े गए, अगर दूसरी तीसरी बार पकड़े गए, तो यहाँ पर 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, एनीवन स्टोर्स ई सिगरेट्स, अगर आप ई सिगरेट्स को स्टोर भी करते हो, तो वहाँ पर 6 मंथ्स का पनिशमेंट, 6 मंथ्स के जेल सेंटेंस और 50,000 रुपीज़ का जुर्माना, या दोनों आपका यहाँ पर हो सकता है। अगर दोस्तों हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको यूज़र्स का, जो तंबाकू खाते हैं, और इनमें से करीब है 268 मिलियन, इनमें से करीब हर साल 12 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो वापस स्क्रीन पर ज़रा आ जाएं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर बार बार ज्योति सिंह का, एवरीवन का, ई सिगरेट क्या होता है, ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसको आप आग से ना जलाकर, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपका जलता है, जिसमें कोई भी इस्तेमाल आपका 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 मैनुअल नहीं होता, उसमें एक एक लाइटर के ज़रिए या एक इलेक्ट्रॉनिक लाइटर के ज़रिए आप उस सिगरेट को जला सकते हैं। ज़्यादा भाई डिटेल में मत जाओ, ठीक है, उतना एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ओके धर्मेंद्र जी, बार बार लिखोगे उससे कहीं नहीं चलेगा, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मैं एक बार चेक करा लूँगा आवाज़ का, साउंड का, पर मेरे हिसाब से तो साउंड सही है, ठीक है, आपका बार बार बोलना सही नहीं रहेगा। ओके सो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कैसे याद रखोगे, याद ऐसे रखोगे, ई सिगरेट्स इज इक्वल टू बैन इज इक्वल टू सेंटर इज इक्वल टू ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू पनिशमेंट। कैसे याद रखोगे, ई सिगरेट इज इक्वल टू बैन इज इक्वल टू सेंटर इज इक्वल टू ऑर्डिनेंस इज इक्वल टू पनिशमेंट। अब यहाँ पर पनिशमेंट क्या होगा आपका, मैंने बता दिया आपको, 1 लाख रुपये पहले होगा, फिर आपका 5 लाख रुपये होगा, अगर स्टोर करोगे तो आपका 50,000 रुपीज़ यहाँ पर होगा। सबको समझ में आ गया है, कमेंट करिएगा, यस सर। ओके चंदू जी, नॉर्मल सिगरेट्स में आप लाइट करते हो उसे एक मैचस्टिक से, इसे आप मैचस्टिक से लाइट ना करके, ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक लाइटर के ज़रिए इसको आप लाइट करते हो, तो ये दोनों अंतर है इसमें, ठीक है। आदेश, ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, ऑर्डिनेंस के लिए आप एक प्रस्ताव रखते हो लोकसभा में, राज्यसभा में, और उनसे कहते हो कि हमने इस ऑर्डिनेंस को अभी लॉन्च किया है और ये ऑर्डिनेंस हमारा 6 महीने तक चलेगा। आप ऐसा 1 से 2 बार कर सकते हो, तो बेसिकली बस आपको इतना करना होता है सरकार को, कि सरकार को लोकसभा में जाकर इस बात को प्रेजेंट करना होता है कि हम एक ऑर्डिनेंस लाए हैं, एक विधेयक लाए हैं, जो कि इस टेम्प्ररी एक्ट लॉ बिल को लॉ का रूप देगा आने वाले 6 महीनों के लिए। क्लियर हो गया सबको, प्लीज़ कमेंट करिएगा, यस सर। आदेश हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारी अगली खबर पर दोस्तों, जो कि ये रहा आपके सामने। आर्मी विल होल्ड हिम विजय फ्रॉम अक्टूबर। जो आर्मी है हमारी, वो अक्टूबर से दोस्तों करने वाली है आपका हिम विजय। और ये आपका कहाँ पर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका होने वाला है, और साथ ही में असम में भी दोस्तों आपका होने वाला है, जब उसका जो न्यूली क्रिएटेड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ पर याद रखिएगा कि हिम विजय जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी की, वो आपकी शुरू होने वाली है, और ये कब शुरू होगी, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर आपका एक ही सवाल बनेगा, सवाल ये बनेगा, हिम विजय इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्सेज, इनमें से किस आर्म फोर्स की हिम विजय एक सैनिक अभ्यास है। उत्तर होगा आपका द इंडियन आर्मी, उनका ये एक सैनिक अभ्यास है। अब क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास तौर पर आपका ये अरुणाचल प्रदेश में और असम में होगा, तो आइए एक बार आज जान लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल के बारे में कि उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर दोस्तों अरुणाचल की बात करें, मैं चाहूँगा इसको स्विच कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो दोस्तों वो है आपका ईटानगर,
अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो है आपके 25। गवर्नर यहाँ पर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, अभी फिलहाल यही हैं, अभी चेंज नहीं हुए हैं एज़ पर विकीपीडिया, एज़ पर द स्टेट वेबसाइट अभी फ़िलहाल यही हैं। मुख्यमंत्री की बात करें उनका नाम है पेमा खांडू। विधानसभा सीट्स यहाँ पर 60 हैं, लोकसभा में यहाँ से दो लोग जाते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल के निकनेम की, इनका उपनाम क्या है, तो ये है डॉनलिट, द लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स पहला। दूसरा, भारत का ऑर्किड राज, यहाँ पर ऑर्किड काफ़ी पाए जाते हैं। और आखिरी में वैज्ञानिकों के स्वर्ग, वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ग या फिर द पैराडाइज ऑफ बॉटनी, ये इसके तीन बड़े फेमस नाम हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इससे बड़ा कोई और स्टेट आपका नहीं है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर रिवर्स हैं कामेंग, सुबानसरी, सियांग, दिबांग और लोहित। एक साल पहले सियांग न्यूज़ में था बिकॉज सियांग का जो पानी है दोस्तों वो ब्लैक हो गया था और ये आरोप लगाया गया था चाइना के ऊपर कि उन्होंने जानबूझकर ड्यू टू देयर पोल्यूशन, ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन सियांग का पानी ब्लैक आपका हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर आपका नमदफा और माउली नेशनल पार्क है। और इम्पॉर्टेंट है जो कि हर एग्ज़ाम में अब आने लगा है वो है GI टैग। GI मतलब क्या होता है आपका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब एक ऐसा टैग जो उन आइटम्स को दिया जाता है जो आइटम्स उस एरिया से संबंधित हैं, उस एरिया से सिनोनिमस हैं। तो उनमें जो GI टैग यहाँ पर है दोस्तों वो है आपका दी अरुणाचली ऑरेंज, वो यहाँ पर GI टैग उसको दिया गया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा, सबको क्लियर हो रहा है, ये बेसिक स्टैटिक GK है अरुणाचल का। अगर ये यूज़फुल लगा आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा यस सर हम आगे बढ़ सकते हैं। सवाल आ रहा है मिस सिंह का, सर व्हाट इज़ हिमविजय, हिमविजय जयिता एंड मिस हिमविजय, मेरे को स्क्रीन पे ले आओ, ये एक मिलिट्री है किसकी, इंडियन आर्मी की, किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी की। जैसा कि आपने सुना होगा युद्ध अभ्यास के बारे में या सूर्य किरण के बारे में, ये सारी क्या हैं, ये भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। वैसे ही इंडिया के अंदर जो इंडियन आर्मी खुद की अपने में जो एक सैनिक अभ्यास करेगी उसे कहा गया है हिमविजय, जो अरुणाचल में और असम में आपका कराया जाएगा। क्लियर सबको, एवरीवन? अच्छा, इफ़ यू हैव टू नाउ मग इट अप, कैसे याद करोगे, इंडियन आर्मी इज़ इक्वल टू हिमविजय इज़ इक्वल टू कहाँ पर होगा, अरुणाचल एंड असम, इज इक्वल टू मेथड से आपको ये दोस्तों याद हो जाएगा, यू विल बी रिमेंबर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये रहा आपके सामने। प्रेम जी ट्रस्ट सेल 1716 करोड़ विप्रो शेयर्स वाया बायबैक। अब यहाँ पर मेरे भाई रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो बायबैक। तो आज का जो हमारा फाइनेंशियल टर्म है, जो आज हमारा फाइनेंशियल टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है आपका, वो है आपका बायबैक। तो आइए जानते हैं ये बायबैक होता क्या है। दोस्तों अगर हम यहाँ बायबैक की बात करें तो मान लेते हैं कंपनी का नाम है भोला बीड़ी वाले। नाउ भोला बीड़ी वाले ने अपने शेयर्स को जो मार्केट में हैं उनको फिर से खरीदा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे वर रीपर्चेस्ड। और उनका रीजन था डिमांड बढ़ाने का। जैसे कि इनके 100 शेयर मार्केट में थे और इन्होंने 100 शेयर को वापस क्या कर लिया, वापस इन्होंने इसको दोस्तों रीपर्चेज कर लिया। अब रीपर्चेज करने से ये हुआ कि इन 100 शेयर्स की क्या हो गई दोस्तों मार्केट में, शॉर्टेज। और अगर इनकी शॉर्टेज हो गई तो जाहिर सी बात है कि डिमांड क्या होगी, इनकी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इसको फिर सेल कर देंगे। अगर ये शेयर आपके जो हैं ये अभी 100 रुपये के थे, अब क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है तो ये शेयर 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों, फ़ायदा हो जाएगा। सो पहले इंग्लिश में, बायबैक इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंपनी विल रीपर्चेज इट्स शेयर्स टू ईदर इंक्रीज द डिमांड और टू इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग। बायबैक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर एक कंपनी अपने शेयर्स को पुनः खरीदेगी ताकि या तो डिमांड बढ़ा सके या अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसकी, उस कंपनी में जो उसका शेयर कंट्रोल है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, उसे दोस्तों यहां पर हम कहते हैं आपका एक बायबैक। सबको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यस सर हमें समझ में आ गया है।
सबको क्लियर है दोस्तों ये सबको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट खबर दोस्तों जो है वो है साई प्रनीत, मैरी कॉम और यशस्विनी के बारे में। दोस्तों एक स्कीम है, एक सरकार का एक कोशिश है, एक एफर्ट है कि जो भारत के बड़े बड़े आपके या भारत के जो मेडल प्रोबेबल्स हैं जिनसे उम्मीद है कि ये एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में हमें मेडल दिला सकते हैं, उनके लिए स्पेशल फंडिंग की जाती है। उस फंडिंग का जो स्कीम है, उस स्कीम का नाम है दोस्तों द टी ओ पी एस। अब ये टॉप्स है क्या, उस पर हम आगे आएंगे, पर टॉप्स के अंदर ऐड किया गया है साई प्रनीत को, जो अभी हाल ही में जिन्होंने जीता है दोस्तों एक मेडल, और मैरी कॉम को, और ये सारे लोग इनमें दोस्तों आपके ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 आपके स्पोर्ट्स पर्सन जिनके नाम यहाँ पर हैं। इनमें बॉक्सर्स की बात करें, अमित पंगल हैं, सोनिया चहल, नीरज, निखत जरीन, कविंदर सिंह बिस्ट, लवलीना बोगहाइन, विकास कृष्ण, शिव थापा, इनके नाम हैं। और साथ ही में यहाँ पर और लोग भी हैं जैसे कि एमसी मैरी कॉम, यंग शूटर यशस्विनी सिंह देसवाल और साई प्रनीत। ये ओवरऑल मिलाकर 12 आपके लोग जो हैं वो टॉप स्कीम जो है उसके अंदर आ चुके हैं। तो आइए एक बार देखते हैं ये TOPS है क्या। दोस्तों TOPS के बारे में ये था, आप स्विच कर दीजिए। TOPS जो है ये एक स्कीम है जिसके तहत जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, और इसके तहत एक फ़ंड बनाया गया। उस फंड का नाम है द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इस फंड के ज़रिए ऐसे लोग, ऐसे एथलीट्स जो मेडल आ सकते हैं ख़ास तौर पर आने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए, उनको इसमें फंडिंग दिया जाएगा। ये जो आपका एक स्कीम है ये वर्क करता है अंडर द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही में जो मेंबर्स हैं मिशन ओलंपिक सेल की वो भी इसके पार्ट हैं, और वो दोस्तों यहाँ पर इनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं रिपीट फिर से आपके लिए कर दूं कि जो TOPS स्कीम है दोस्तों उसके अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट आपके एडिशंस हुए हैं, उनके नाम दोस्तों जो हैं वो हैं मैरी कॉम, साई प्रनीत और यशस्विनी सिंह देसवाल, जो कि एक शूटर है पेशे से। ये 3 नाम इसमें दोस्तों जो हैं वो आपके ऐड किए गए हैं। TOPS का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या फुल फॉर्म है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TOPS। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे आज के आखिरी खबर पे दोस्तों, ये रहा आपके सामने। दोस्तों एक नया स्पीशीज़ जो कि है ऑफ टेरोसॉर, उसको पाया गया है, जिसे कहा गया है द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम। इसका दोस्तों नाम जो है इसका नाम रखा गया है एज सी बोरियास। और बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है, जो एक एरिया है विंग्स का, वो 10 मीटर्स का है। इसका वेट 250 किलोग्राम का है, और दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम है। यहाँ पर इसकी इमेज भी दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ इन फैक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम। मतलब ओवरऑल अगर हम इतिहास की बात करें तो इससे बड़ा जानवर जो फ्लाई करता हो वो कहीं पर भी पाया नहीं गया। इसका नाम है आपका सी बोरियास, ये दोस्तों इसका यहाँ पर नाम दिया हुआ। बस इतना ही आपको यहाँ पढ़ना है, आपको कुछ और यहाँ पर फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी आपसे विदा लेते हैं, आप सबका दोस्तों यहाँ पर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी कल वापस फिर से आएंगे आपको, और कल हम वीडियो में और टाइम्स ऑफ इंडिया को और इंडियन एक्सप्रेस को ऐड कर देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत एज सच ना हो। थैंक यू सो मच गाइस आपका आने के लिए, मिलते हैं अब आपसे हम कल। तब तक के दोस्तों शुक्रिया, नमस्कार एंड जय हिंद और जय भारत।